प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। डीएड और बीएड दोनों ही क्लासों के लिए आज का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो शिक्षण कार्य था पूरे वर्ष के दौरान कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सुचारू रूप से नहीं चलवाया, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, सभी बच्चे उसमें हमारी क्लास में शामिल भी नहीं हो पाए। हमने कुछ टॉपिक ऑनलाइन कराए हैं, कुछ ऑफलाइन कराए हैं, तो सभी बच्चों के पास ये कह सकते हैं कि हमारा सारा सिलेबस पहुंच नहीं पाया। तो इस वजह से मैं एक शुरुआत ये कर रहा हूँ कि सारी जो फिजिकल साइंस है और मैथमेटिक्स है उसके सारे टॉपिक्स को बारी बारी से आपके पेपरों तक संभव हुआ तो करा सकता हूँ, तो करा पाऊँगा। तो आपसे सिर्फ यही कहना है कि यदि आपको ऐसा लगे कि मैं जो करा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो, या सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी हो, समझदार हो, पीजी और यूजी हो, आपके अंदर इतनी समझ है कि हम सेल्फ स्टडी से भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं पहली यूनिट का पहला पार्ट, इसमें हम भौतिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, भौतिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र पेडागोजी और फिजिकल साइंस डीएड और बीएड दोनों के लिए ही उपयुक्त है, और आपकी जो आगामी जो परीक्षाएँ हैं बीएड की भी और डीएड की उनके लिए उपयोगी है। तो हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। तो जो सबसे पहले हम नाम के बारे में जानते हैं कि हमारी जो ये विषय है पेडागोजी और फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस नाम ही क्यों रखा गया है? कुछ विद्वानों में इस नाम के पीछे भी भ्रम है। कुछ विद्वानों ने इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से परिभाषित की है कि जो भौतिक विज्ञान है वह जो हमारे पर्यावरण में निर्जीव वस्तुएँ हैं या निर्जीव पदार्थ हैं या निर्जीव चीज़ें हैं उनका अध्ययन है, तो इसके आधार पर उन्होंने इसे पदार्थ विज्ञान का नाम दे दिया है। पदार्थ विज्ञान अर्थ हम जानते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो स्थान घेरने के लिए जो स्पेस में वो सारे पदार्थ हैं, क्योंकि जो स्पेस में आ गया वो उसमें भार भी होता है और वह स्थान भी घेरती है, चाहे वो मैं हूँ, ये वस्तु है या और भी कोई चीज़ें हैं, तो उसके आधार पर हम पदार्थ विज्ञान कहेंगे तो इसका नाम उचित नहीं होगा। इसका जो एग्जैक्टली नाम है वह फिजिकल साइंस ही है। तो इसकी जो परिभाषा है उसे हम देखते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति और प्राकृतिक, यानी जो हमारी प्रकृति है और प्रकृति में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करती है। यह वह विज्ञान है जो किसी प्राकृतिक घटना या व्यवहार की व्याख्या प्रकृति द्वारा स्थापित किए गए नियमों के आधार पर करती है। यानी कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी व्याख्या वह प्रकृति के नियमों के आधार पर करेगी, ना कि कोई और आधार प्रस्तुत करेगी। उसी को हम फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और भी परिभाषाएँ आपकी जो बुक्स है उसमें दी हैं, आप वहाँ से कंटेस्ट करके अपने पेपर में जरूर लिख के आएँ। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो सॉल्व करते समय ध्यान रखना हर प्रश्न की के लिए कुछ निर्धारित परिभाषाएँ होती हैं, उस परिभाषा को आपको लिखना मस्ट होता है, अन्यथा आपकी जो मार्किंग है यूनिवर्सिटी लेवल की मार्किंग होती है उसमें काफ़ी विद्वान लोग मार्किंग करते हैं, आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। हम बाद में ये सोचते हैं कि हमने पेपर सारा किया है लेकिन हमारे मार्क्स बहुत कम आए हैं, उसका यही कारण है कि हम बहुत सारी परिभाषाओं को लिख के नहीं आते। तो आगे हम देखते हैं क्या है आगे इसमें जो है भौतिक विज्ञान की प्रकृति नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। तो एक बात और मैं बता दूँ, हमारी जो विज्ञान है विज्ञान विषय है उसकी उत्पत्ति धर्म से हुई है। कैसे हुई है? जब जब हमारी पृथ्वी पर पैंडेमिक आई है, जैसे आजकल कोविड-19 है, ऐसे ही प्लेग आया था, इन्फ्लुएंजा आया था, इस प्रकार की बीमारियों ने या हैज आया था, इस प्रकार की बीमारियों ने कुछ लोगों का ध्यान जो हम ईश्वर की शक्ति मानते हैं उससे अलग हटा दिया कि यदि ईश्वर है तो हमें इन बीमारी से बचा क्यों नहीं रहा। अब जब इन लोगों का ध्यान उधर हट गया तो जो हमारा पुरोहित वर्ग था, जो चाहे वो हमारे एशिया में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, जहाँ भी थे जो पुरोहित वर्ग था, उन्होंने हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन बुद्धिजीवी वर्गों से आग्रह किया कि आप ये जो लोग दूसरी राह पे जा रहे हैं इनको समझाइए। उनको जो जिनको जिम्मेवारी दी गई उन्होंने उनको समझाने के लिए पहले स्टडी की, और स्टडी करने पर उनको ही ये पता चल गया कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है, अर्थात इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, प्रकृति जो है वह हमें मार भी सकती है बचा भी सकती है। तो उनका ध्यान अलग हट गया। फिर धीरे धीरे जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का अध्ययन किया गया, उन घटनाओं के अध्ययन के आधार पर हमारी जो समाज में एक विज्ञान की अवधारणा विकसित हो गई। एक घटना बताता हूँ, गैलीलियो थे, 19वीं शताब्दी से पहले अवधारणा ये थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी केंद्र में है, और पृथ्वी केंद्र में
है, अर्थात सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है। जब गैलीलियो ने दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किया तो उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में जो सूर्य है वह स्थिर है, हमारी पृथ्वी उसका भ्रमण कर रही है। जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी तो पुरोहित वर्ग था, उन्होंने इस स्टेटमेंट को उनसे उनको बदलने के लिए बाध्य कर दिया कि आप इस बात को बदलिए, ऐसा नहीं है। और उनके मन में इस प्रकार का भाव था कि जरूरत हमें है या सूरज को है, हम क्यों उसका चक्कर लगाएंगे, वो हमारा चक्कर लगाएगा, इस प्रकार की बातें थी। तो वो एक अलग बात है। अब हम देखते हैं जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी प्रकृति का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरी प्रकृति पूछी जाए, आपकी प्रकृति पूछी जाए, पशु की प्रकृति पूछी जाए, शेर की प्रकृति पूछी जाए, तो उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी मूल भावनाएं और वह समाज में किस प्रकार से रहता है, वह किसी से किस प्रकार से कोई बात कही जाती है तो उसका रिएक्ट क्या करता है, उसी को हम उसकी मूल स्वभाव या प्रकृति कहते हैं। तो विज्ञान के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान है क्या, यानी विज्ञान की परिभाषा देंगे कि विज्ञान है क्या, विज्ञान के अंतर्गत हम किस किस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, विज्ञान वी प्लस ज्ञान, यानी एक ऐसा विस्तृत ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विस्तृत ज्ञान हमें करना है जो एक विशिष्ट रूप से हो किसी भी क्षेत्र का, क्योंकि सभी विषयों को विज्ञान कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। विज्ञान की क्रियाविधि क्या है, यानी जो विज्ञान है उसकी क्रियाविधि क्या है, अर्थात इसके अंतर्गत जो भी बात हमें बताई जाएगी पहले उस पर रिसर्च की जाएगी, रिसर्च करने के बाद जब हम पूर्ण रूप से प्रमाणित कर देंगे कि यह बात बिल्कुल सत्य है तभी हम प्रकाशित करते हैं। प्रयोगों पर आधारित ज्ञान है। विज्ञान की क्रियाविधि में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, यानी क्रियाविधि जब करेंगे तो ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, किस चीज़ का हमारे प्रयोग पर प्रभाव पड़ सकता है, हम ठंडे मौसम में कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसके परिणाम बदल सकते हैं, गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो बदल सकते हैं, या फिर और भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए हम बाज़ार में कोई सामान लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा जो बड़ी चीज़ लेनी है हमने, जिसका क्वांटिटी क्विंटलों में लेनी है, तो जो दुकानदार है उसको तौल करते समय ऊपर जो पंखे चल रहे हैं उनको बंद ही नहीं करता। मान लीजिए आपको काली मिर्च लेनी है जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपये किलो है और आपको 50 ग्राम चाहिए और पंखा ऊपर से चल रहा है तो 20 ग्राम तो वही कम कर देगा, तो उस पंखे को बंद कर दिया जाता है। अर्थात वह जो प्राकृतिक या परतंत्र है उसको प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी विज्ञान है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे परिणामों को बदल देती हैं। अब विज्ञान की परिणामों, विज्ञान के परिणामों की फिर विशेषताएँ करते हैं हम, यानी जो भी परिणाम हमें प्राप्त हुआ है उसके कुछ वेरिएशन भी आ सकते हैं, क्योंकि जो साइंस है वह हम बहुत सारा अध्ययन कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी 100% अध्ययन की ओर नहीं जा पाए हैं, बहुत सारी कमियां हैं इसमें। तो उसके परिणाम की व्याख्या करते हैं कि हम जो परिणाम प्राप्त कर रहे हैं वो किस आधार पर किया है, तो इसमें वेरिएशन आया वो क्यों आया है। अब हम देखते हैं हमारी जो विज्ञान है उसमें उद्देश्य कथन, जब कोई भी कार्य करते हैं तो बिना उद्देश्य के उस कार्य को करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, उद्देश्य नहीं होगा तो। कई बार उदाहरण दिया जाता है कि बिना उद्देश्य के हमारा जो कार्य है उस नौका के समान है जो भंवर में या किसी भी जलाशय में उतार दी गई है, उसको चलाने वाला कोई नहीं तो कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता। तो उद्देश्य कथन करते हैं, यानी जब भी विज्ञान पढ़ाई जाएगी तो हमारा एक उद्देश्य होगा और उसको पहले से ही हम निर्धारित कर देंगे हमें ये काम करना है। अगला बिंदु है उपकल्पना का निर्माण। अब देखो विज्ञान के अंतर्गत जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा कल्पनाओं पर आधारित होता है। हमारे विज्ञान की जितनी भी रिसर्च हुई है वो सारी की सारी कल्पनाओं पर आधारित हैं। जब तक हम कल्पना नहीं करते और कल्पना नहीं करेंगे तब तक हम उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लीजिए सामान्य सा उदाहरण लेते हैं कि आपको कहीं जाना है तो आप कल्पना करोगे कि मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए आधा घंटा एक घंटा बाइक से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, ट्रेन से या प्लेन से, तो उसके लिए हमारी एक उपकल्पना होगी इतने समय में पहुँच जाएंगे। या ऐसी उपकल्पना हो सकती है कि हम जाएंगे बस में बैठेंगे, बस में भीड़ होगी या नहीं होगी, हमारी कल्पनाएँ हैं। और उस कल्पना का परीक्षण करना बाकी होता, परीक्षण करने के बाद फिर वही एक नियम या सिद्धांत में बदल जाता है। तो उपकल्पना का हमारी जो विज्ञान है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और विज्ञान में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी हम हमेशा जितने भी बुद्धिजीवी हैं या जितने भी प्राणी हैं जो भी जीवी हैं वो सारे के सारे कल्पनाएँ करते हैं। सुबह उठते हैं कल्पना करते हैं कि मैं उठता हूँ, उठने के बाद आज मुझे ये काम करना है, उसमें ये मुझे सफलता मिल सकती है। और कुछ लोग जो नेगेटिव सोच के होते हैं वो उसकी असफलताओं को भी ध्यान में रखते हैं। हालांकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। आगे है प्रयोगात्मक कार्य। विज्ञान में जो भी कार्य कराया जाएगा वो प्रयोगों के आधार पर होगा। जब तक हम प्रयोग नहीं कर लेते और उस प्रयोग पर आधारित विभिन्न प्रकार के परिणाम हम प्राप्त नहीं कर लेते, और जब बहुत सारे प्रयोग करते हैं तब हमें एक ही परिणाम मिलता है,
तब हम उसको विज्ञान की ज्ञान की श्रेणी में लाते हैं। कोई भी परिभाषा परिभाषित करने के लिए हमें उस पर पहले प्रयोग करने पड़ते हैं और प्रयोग करने के बाद ही हम उसको प्रमाणित या जनरलाइज करते हैं। अब है आंकड़ों का संकलन व प्रेक्षण। देखो आंकड़े क्या हैं, आंकड़े आप जानते हो विभिन्न समूहों से एकत्रित या सूचीबद्ध किए गए कुछ मद होती हैं जो आंकड़े कहलाती हैं। तो हमने अब से ऊपर यहाँ से ऊपर तक जो भी पढ़ा है उसमें जैसे प्रयोग किया, प्रयोग के बाद हमने जो परिणाम मिले उनको सूचीबद्ध कर लेते हैं और सूचीबद्ध करके फिर हम उनका प्रेक्षण करते हैं, संकलन करते हैं यानी एकत्रित कर लेते हैं, फिर उसका प्रेक्षण करते हैं यानी जो हमारे पास आंकड़े प्राप्त हो गए वह आंकड़े आगे हम रहें या न रहें अगली पीढ़ियों को मिलेंगे और वो पीढ़ियाँ उन आंकड़ों के आधार पर आगे कुछ रिसर्च करेंगी। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, आगे आने वाली पीढ़ी हमसे एडवांस होती है और वो प्रकृति का नियम शुरू से ही चला रहा है। आपने भी अनुभव किया है कि आपसे जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनका दिमाग महसूस करते हैं वो हमसे ज़्यादा है, और ऐसा होता भी है, कुछ प्राकृतिक कारण हैं और कुछ आनुवंशिक कारण हैं। अब इसके बाद है निष्कर्ष व भविष्य कथन। अब हम क्या करते हैं, जब हम प्रयोगों पर आधारित ज्ञान प्राप्त करके उसको जनरलाइज कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि इसका परिणाम नहीं बदल रहा है, तब हम उसको क्या करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं और उसका भविष्य कथन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर भविष्य कथन की बात है, कुछ ज्योतिषी भी हैं जो भविष्य कथन करते हैं, लेकिन जो ज्योतिषियों का भविष्य कथन है वह हो सकता है आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले जो भविष्य कथन करते थे उनका कोई एक साइंस थी, विज्ञान थी, उसके आधार पर वो भविष्य कथन करते थे। लेकिन आज के युग में जो भविष्य कथन किए जाते हैं वो प्योरली तथाकथित प्रोपेगेंडा है यानी एक भविष्य कथन है, लेकिन विज्ञान के आधार पर जो भविष्य कथन किया जाएगा वो निश्चित रूप से सही होगा। आज हम हमारे जो प्रकृति की घटनाएं होती हैं तमिलनाडु या जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर चक्रवात आते हैं, उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो एक अलग विज्ञान है। तो पहले से पता होने की वजह से क्या होता है, वहाँ से लोगों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, लोगों के जान माल की सुरक्षा कर पाते हैं, सारी प्रकार की चीज़ों को हम भविष्य कथन कर लेते हैं कि अगले 2 दिन में चक्रवात आने वाला है तो उस चक्रवात से बचाने के लिए हम उन लोग वहाँ पर स्थापित जो लोग हैं उनको दूसरी जगह पर ले जाते हैं और उन लोगों की जो जान माल की हानि थी उसको बचाया जा सकता है। अब है सामान्यीकरण व सुझाव। सामान्यीकरण क्या होता है, जैसे ही हमने ज्ञान प्राप्त किया और वह ज्ञान जनरलाइज हो गया यानी वह हम उसको प्रयोग में ले आते हैं, आम लोगों के लिए प्रसारित कर देते हैं, बता देते हैं कि यह जो घटना है वो इस प्रकार से घटित हो रही है, इसमें कोई जादू नहीं है। जैसे ज्वार भाटा आता है तो कंटिन्यू आता है, तो उसके लिए हमारी जो पृथ्वी की आकर्षण बल है वह उस पर निर्भर करता है। क्योंकि जो पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए हम ठोस सतह पर फूंक मारें कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी में फूंक मारें तो पानी विचलित हो जाता है। यही कारण है जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सूर्य चंद्रमा और हमारी पृथ्वी, उनके कभी कई बार क्या है वो एक ही चीज़ में आ जाते हैं तो आकर्षण बल बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारी जो समुद्र है उसमें ज्वार भाटे आते हैं। उसको हम कोई प्राकृतिक घटना है ना कि कोई ऐसी घटना जिसको हम ज्योतिष से जोड़ें। अब है वैज्ञानिक निष्कर्षों की विशेषता। देखो वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं वो क्या हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसमें जो भी बात कही जाएगी प्रयोगों पर आधारित होगी, अर्थात वैध होंगे, विश्वसनीय होंगे और हमारे समाज से जो अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को दूर करेंगे। व्यक्तियों के मन में हमारे प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करेंगे यानी उनको इस प्रकार की समझ विकसित करेंगे कि वह उन घटनाओं को विज्ञान की दृष्टि से देखें। विज्ञान में जो भी बताया जाता है वो बिल्कुल ही सत्य पर आधारित होता है, तो इसके निष्कर्ष सत्य होते हैं, कहीं भी झूठ नहीं होते हैं, उनमें कोई भी किसी प्रकार से हम उसको छुपा नहीं सकते। क्योंकि विज्ञान की एक और विशेषता है, यदि आज हमने कोई तथ्य समाज के सामने रखा है, आगे आने वाली पीढ़ी में कोई व्यक्ति यदि उस तथ्य को दूसरे तरीके से व्याख्या कर देता है और वो सत्य है तो विज्ञान की विशेषता है कि उसको मान लेता है। तो इसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसको विज्ञान ये मान के चलता है कि ये स्थायी है, और यदि कोई व्यक्ति उसको अस्थायी प्रूफ कर देता है तो उसको अस्थायी मान लेते हैं, अन्य परिणाम को मान सकते हैं। तो जो विशेषताएं हैं, अब है कार्य कारण संबंध, यानी हमारे प्रकृति में जो घटनाएं हुई उसके अंदर कार्य और कारण संबंध है। कोई घटना घटित हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण है, बारिश हो रही है तो उसका कारण है, भूकंप आया है तो उसका कारण है, पृथ्वी पर हम जब चल रहे हैं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कोई कारण है, ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं हो गया। या फिर मान लीजिए हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो ऊर्जा मिलने का भी एक कारण है। ऐसे ही हमारे जीवन की जो भी घटनाएं, कोई बीमारी लगती है तो उसका भी कोई कारण है।
बिना कारण के कोई भी घटना नहीं होती। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर यदि आप चाहोगे तो अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।